हेलो दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ, आप लोगों ने इस सभ्यता के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा और कई सारे वीडियोस में भी देखा होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल से बताएंगे और साथ ही इससे जुड़ी हुई मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा जैसे नगरों तथा कृषि, अर्थव्यवस्था, आर्थिक जीवन, शिल्प कला और पुरातात्विक खोजों के बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता उन्नत तथा चर्चित सभ्यताओं में से एक थी। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, हम आपको इस रहस्यमय सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र से अनेक गुना बड़ा और विशाल था। इस परिपक्व सभ्यता के केंद्र स्थल पंजाब तथा सिंध में था। तत्पश्चात इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की दिशा में हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इसका विकास एशिया की प्रमुख नदियों में से एक सिंधु नदी और घग्गर हकरा नदी के घाटियों में हुआ, जो कभी उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी पाकिस्तान से होकर बहा करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो दक्षिण एशिया में एक कांस्य युग की सभ्यता थी जो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चली थी। सिंधु सभ्यता को इसके प्रकार स्थल हड़प्पा के बाद हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी खुदाई 20वीं शताब्दी के शुरुआत में की गई थी। सभ्यता के पहले और बाद के चरणों को प्रारंभिक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कहा जाता है। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृतियां मेहरगढ़ जैसी नवपाषाणिक संस्कृतियों में से उत्पन्न हुई। सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और उत्तर में पूर्वोत्तर अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में गुजरात तक फैली हुई थी। तटीय बस्तियां पश्चिमी बलूचिस्तान में सुतकागन डोर से लेकर गुजरात में लोथल तक फैली हुई थी। कुछ साइटों की सबसे बड़ी संख्या पंजाब क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, सिंध और बलूचिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और उत्खनन का इतिहास एक दिलचस्प कहानी है, जिसमें कई खोजकर्ता, पुरातत्वविद, विद्वान और सरकारें शामिल थे। इस सभ्यता को लेकर सबसे नवीनतम खोज आईआईटी खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी और भी खास बातें। भारत और पाकिस्तान में पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, अब तक ज्ञात सभी सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ही है। इसकी खोज 1921 में हुई। इसका विकास सिंधु और घग्गर हकरा के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। इस सभ्यता के समय काल को लेकर आज भी, जी हाँ, आज भी इतिहासकारों के अलग अलग राय हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है जो लगभग 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है।
वहीं पहले की खुदाई और शोध के आधार पर माना जाता था कि 2600 ईसा पूर्व अर्थात आज से 4617 वर्ष पूर्व हरप्पा और मोहनजोदड़ो नगर सभ्यता की स्थापना हुई थी। इस सभ्यता को लेकर सबसे नवीनतम खोज आईआईटी खड़गपुर, जी हाँ आईआईटी खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सभ्यता 8000 साल पुरानी थी। इस लिहाज से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पहले की है। मिस्र की सभ्यता 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक रहने के प्रमाण मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता 6500 ईसा पूर्व से 3100 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। शोधकर्ता ने इसके अलावा हरप्पा सभ्यता से 1,00,000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के प्रमाण भी खोज निकाले हैं। जी हाँ, दिसंबर 2014 में भिराना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजरे हैं। प्रतिष्ठित रिसर्च पत्रिका नेचर द्वारा प्रकाशित रिसर्च में कहा गया है कि वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी की पॉटरी की नई सिरे से पड़ताल की और ऑप्टिकली स्टिम्यूलेटेड लूमिनेशन तकनीक का इस्तेमाल कर इसकी उम्र का पता लगाया, तो यह 6000 वर्ष पुराने निकले हैं। इसके अलावा अन्य कई तरह की शोध से यह पता चला कि यह सभ्यता 8000 वर्ष पुरानी है। इसका मतलब यह है कि यह सभ्यता तब विद्यमान थी जबकि भगवान श्री राम 5114 ईसा पूर्व का काल था और श्री कृष्ण का काल 3228 ईसा पूर्व में इसका पतन होना शुरू हो गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर हरियाणा के भिराना और राखीगढ़ी तक था। वैज्ञानिकों ने भिराना के एकदम नई जगह पर खुदाई शुरू की और बड़ी चीज बाहर लेकर निकले। इसमें जानवरों की हड्डियां, गायों के सींग, बकरियों, हिरण और चिंगारे के अवशेष मिले हैं। इन सभी के बारे में कार्बन-14 के जरिए जांच की गई। जी हाँ, कार्बन-14 के जरिए जांच की गई, जिससे यह पता चला कि उस दौर में सभ्यता को किस तरह के पर्यावरणीय स्थितियों का सामना करना पड़ा था। वहीं सिंधु सभ्यता नष्ट होने का कारण वैज्ञानिकों ने कमजोर मानसून और प्राकृतिक परिस्थितियों में बदलाव बताया। सिंधु घाटी में ऐसी कम से कम 8 प्रमुख जगहें हैं जहां संपूर्ण नगर खोज लिए गए हैं, जिनके नाम हरप्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा, रंगपुर और रोपर है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सहानी ने की। यह सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी तथा इसका क्षेत्रफल 12,99,000 वर्ग किलोमीटर था। जी हाँ, 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स मर्सन को हरप्पा से बड़ी संख्या में ईंट प्राप्त हुई थी। 1856 ईस्वी में कराची और लाहौर के बीच रेल मार्ग बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता हुई, परिणाम स्वरूप हरप्पा के खंडहर की खुदाई की गई। खुदाई करते समय ही यहाँ एक प्राचीनतम स्थल होने का आभास हुआ। विद्वानों ने हरप्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी कहा है। यहाँ से प्राप्त बर्तनों पर मानव आकृतियां भी प्राप्त हुई है। हरप्पा से एक दर्पण प्राप्त हुआ है जो तांबे का बना हुआ था। स्वास्तिक चिन्ह भी हरप्पा की ही देन है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु वासी सूर्य उपासना करते थे। ऋग्वेद में हरप्पा सभ्यता को हरयूपिया कहा गया है। मेसोपोटामिया साहित्य में प्रयुक्त मेलोहा शब्द से सिंध घाटी की पहचान की जाती है। हरप्पा से प्राप्त मुहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन सर्वाधिक मिलता है। हरप्पा से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ का अंकन भी मिला है। हरप्पा से तांबा से बनी एक इक्का गाड़ी भी मिली है। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हरप्पा के काल में ही हुआ था। खोज में प्राप्त सुइयों से ज्ञात होता है कि सिंधु निवासी सिले हुए कपड़े भी पहना करते थे। सिंधुवासी पशुपति महादेव की पूजा करते थे।
सिंधु सभ्यता की लिपि चित्र प्रधान लिपि थी। इस लिपि में लगभग 400 वर्ण हैं। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। इस काल में मातृ देवियों की भी प्रधानता थी। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं था तथा कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन स्थल हल्लूर से तलवार बनाने के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से प्राप्त धरती देवी की समानता मिस्र की आइसिस देवी से की जाती है। सिंधु सभ्यता की सिंधु घाटी की सर्वोत्तम कलाकृतियां वहां प्राप्त मुहरे हैं। भारत में सिंधु सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी। खुदाई में प्राप्त हुए अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सोच अत्यंत विकसित थी। उन्होंने पक्के मकानों में रहना आरंभ कर दिया था। चूंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड के निर्धारण को लेकर विभिन्न विद्वानों के बीच काफी मतभेद है। विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता को 3 चरणों में विभक्त किया है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता संस्कृति अथवा प्राक हड़प्पा संस्कृति 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व का था। हड़प्पा सभ्यता अथवा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, और तीसरा है उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति, या हम इसे परवर्ती हड़प्पा संस्कृति भी कह सकते हैं, जिसका कालखंड 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता भारत भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में त्रिभुजाकार स्वरूप में फैली हुई थी। यह उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर तक, दक्षिण में दैमाबाद यानी महाराष्ट्र तक, पूर्व में आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश तक, और पश्चिम में सुतका गेंडोर पाकिस्तान तक फैली हुई थी। यह सभ्यता सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में काफी विस्तृत थी। यह स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यहाँ सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित थी। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों के अनेक मत हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मत सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी मत सिर्फ अनुमानों के आधार पर दिए गए हैं। गार्डन चाइल्ड, मोर्टिमर विहल, पिगट महोदय जैसे विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आर्य आक्रमण को माना था, लेकिन विभिन्न शोधों के आधार पर अब इस मत का खंडन किया जा चुका है और यह सिद्ध किया जा चुका है कि आर्य बाहरी व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे भारत के ही मूल निवासी थे। इसलिए आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मत को वैध नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न विद्वान जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, पारिस्थितिक असंतुलन, प्रशासनिक शिथिलता इत्यादि को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारक मानते हैं। साक्ष्यों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यंत विकसित सभ्यता थी, लेकिन अभी तक इस बात का कोई सीधा सपाट उत्तर नहीं दिया जा सकता है कि आखिर इस पतन कैसे हुआ होगा इसका पतन। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रात्मक लिपि अभी तक पढ़ी भी नहीं गई है। ऐसे में जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ ली जाती, तब तक इसके अनसुलझे सवालों का कोई स्पष्ट उत्तर देना जल्दबाजी होगा। जी हाँ, तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह हड़प्पा सभ्यता की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आपका सपोर्ट हमें लगातार मिलता रहे, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही लगातार नए नए वीडियोस, नए नए जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।